ये एक तरह का ऐसा जीवन है कि इस प्रकार की कल्पना करना भी एक मानव के लिए बड़ा मुश्किल का काम है। बस यहीं पर, तो यहीं पर से इतने में ही आप अपना जीवन यापन कर रहे हो क्या? तुम बाघ भालू डरने लायक नहीं है भीतर? सूचना मिली है कि बाराकोट क्षेत्र में इस कवर के नीचे एक विक्षिप्त महिला रह रही है। देखते हैं कि वो किस प्रकार से इस कवर में अपना जीवन यापन कर रही है। कोशिश करते हैं उससे मिलने की। क्या कर रहे हैं आप? हेलो, यहाँ बाहर को आओ तो। आप आओ तो, आओ तो, आओ तो बाहर को आओ ना। आप बाहर को आओ। आप आओ आओ। आप कब से रह रहे हो इसमें? 2 साल है यान। 2 साल है यानी? हाँ। तो ये में कलर उन्हें भी है तुम्हें? कहाँ जाना पे? आदमी जो शौतों के पास रहता है कहाँ जा रही है फिर? शादी क्यों करी? अच्छा, तो मतलब तुम्हारे घर कौन भाई हो? हाँ? घर कौन भाई तुम्हारा? मर गए उसके सब, कोई नहीं है। कोई नहीं है? कहाँ हुआ फिर भी? बाराकोट में ही है ना? कहाँ है फिर? इधर है, क्या कहते हैं, नहीं है मेरा कोई। वो कोई नहीं है? ना। 2 साल है मर गए। मद्रासी था कोई? मद्रासी था, मर गया मतलब। हाँ। 2 साल से इसी कवर में रह रहे हो आप? तो बिजली पानी आपका क्या मतलब, ऐसे अंधेरे में रह लेते हो? आ? कोई जंगली जानवर का डर वगैरह क्या ना? ये बुझ देते हूँ। अच्छा, इसको बुझ देते हो आप 2 साल से? सरकार की तरफ से कोई आया आजकल? अब बीमारी चल रही, कोई कुछ देने के लिए आया आपके पास राशन पानी? दिया तो नहीं है, ऐसे काम करके खा रहे। काम कर, कहाँ काम करते हो आप? खाली घर में कहाँ करती हूँ। क्या कर रहे हो आप नीचे? देख सकता हूँ? हाँ, आग जल रही है तो मैं देखता हूँ ना क्या है करके। मैं अंदर को बैठ जाऊँ? अच्छा, एक मिनट वहीं रहो आप। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, मैं आ रहा हूँ, अंदर ही आ रहा हूँ। इतना दुर्गम रास्ता है, ये महिला पता नहीं किस प्रकार से अपना जीवन यहाँ निर्वहन कर रही है। कोशिश करते हैं थोड़ा अंदर घुसने की। और ये एक तरह का ऐसा जीवन है कि इस प्रकार की कल्पना करना भी एक मानव के लिए बड़ा मुश्किल का काम है। बस यहीं पर, तो यहीं पर से इतने में ही आप अपना जीवन यापन कर रहे हो क्या? तुम बाघ भालू डरने लायक नहीं है भीतर? नहीं लगती। तुम यहाँ पकवान की रहा है? क्या पका रहे हो आप इसमें? बस कुछ नहीं है, खाली रोटी। रोटी पका रहे हो? तो राशन कहाँ से आता है आपके पास? इस अंधेरे में ये महिला अपना जीवन निर्वहन करने के लिए मजबूर है या कैसे कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जैसे राम राज्य की आजकल कल्पना कर रहे हैं, ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि आज भी इस प्रकार की कंदराओं में कोई आदमी रह रहा है। जरा आप फिर से बाहर को आओ, इस धुएं में तो आदमी का, सामान्य आदमी का भी दम घुट जाएगा। लेकिन ये महिला पिछले 2 साल से बता रही है कि यहीं इस कवर के में रह रही है। ना PWD ने इनका संज्ञान लिया, ना जिले के किसी प्रशासन ने। एक मिनट, हाँ, आओ आओ बाहर को आओ आप। कोई भी इनका संज्ञान अभी तक लिया नहीं है किसी ने। तुम नहीं, मैं नीचे आप ये देखो, अगर यहाँ से आदमी गिर जाए तो उसकी लाश भी बस जिंदा वो वापस नहीं आएगा। इस प्रकार का ये बिल्कुल बहुत ही भयंकर नीचे को स्थान है। और यहाँ ये महिला पता नहीं किस प्रकार से रह रही है। ये पकड़ करके आप ऊपर आओ जरा। बाप रे, तो आपको अगर हम कहीं व्यवस्था दें तो आप रहोगे कहीं? कहाँ रहोगे? आप आओ फिर ऊपर रखो आप। बाप रे, तो खतरनाक है वही है। तो ऊपर वो यो फिसलोगे, तो यहाँ से फिसलोगे तो किसी दिन तो आप नीचे गिर जाओगे, फिर कौन आपको देखे? हम तो छोटे जान हुए, हमारे को क्या। इधर को देखो, इधर को देखो। बाप रे, छोटी जान हुए कहा? जंगली जानवर ना आए उनकी डर से महिला ने कांटे वगैरह काट के रखे हुए हैं। और रात को बता रही है कि ये इनसे अपनी इस गुफा को ढक लेती है और यहीं पर अपना जीवन निर्वहन कर रही है। ये अब ऊपर आ चुके हैं। बाप रे, तुम बैठो 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 बैठो। कत समय है कोई ये में रून रून तुम? दो साल? डेढ़ वर्ष। अच्छा अच्छा अच्छा, डेढ़ वर्ष। अब ये बताइए, आपका मायका कोठेरा में है क्या? है? तो आप मायके में क्यों नहीं रह लेते हो आप? है? नहीं रहती हूँ,
अच्छा झगड़ा अच्छा तो अगर कहीं यहाँ पर ऊपर हमारे पास जीआईसी ऊपर जीआईसी में बिल्डिंग खाली है, वहाँ रहोगे आप? चलो मैं देखता हूँ कहीं व्यवस्था बनाते हैं आपकी, तो जल्दी आपको बताते हैं कैसा, ठीक है? तुम यहाँ मतलब डर न लगे रात में? अब डर लगी तो क्या करा, और तो कोई गुजारा ही नहीं हुआ। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, कुछ प्रशासन से भी बात करते हैं, कुछ ना कुछ आपको सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आप एक दो दिन आप फिर से ऐसे ही रहिए, धन्यवाद।